श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले आज खाइए हनुमान जी का मंदिर का प्रसाद, क्योंकि आज दिन है शनिवार। और शनिवार को तो आप लोग को बताते हैं हर शनिवार की वीडियो में कि शनिवार को सुबह ही मेरा जो है कि पूजा पाठ हो जाता है। और अभी जो है कि 8:10 बाकी है। और आज ना हम गए थे मंदिर, हनुमान मंदिर, तो देखिए प्रसाद लेके आए हैं और अभी तुरंत आए हैं। और घर में भी पूजा करके गए थे, सुबह ही 5 ही हमारी जो कि पूजा पाठ हो गई थी। उसके बाद मंदिर गए थे सुबह 6:30 गए थे ना जी, 6:30 मंदिर गए थे और 8 गए आए हैं। तो चलिए ये लीजिए प्रसाद, खा लीजिए आप सभी। तो देखिए आज क्या लेके आया है हमको, बरसों बाद ये चित्त का दर्शन हुआ है हमको। ये देखिए हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, वहाँ नहर पे था ना, है ना, अब नहीं है, पहले था। तो देखो मेरी बड़ी मम्मी के आंगन में था ये वाला, और मैं नहर के किनारे में था, और हम लोग ने खूब तोड़ तोड़ के खाते थे। अंकुश आज ये लाया है, पहले तो खाएंगे। ये लो, आंस बोल रहा है कि नहीं खाए, आंस ये लो आप भी खाओ, खट्टा खट्टा चल, खट्टा मीठा चल, खा के तो देखो कैसा लगता है। हम लोग बहुत खाते थे, हम लोग तूत इसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं जरूर बताइए। हम लोग काला काला वाला खाते थे और मटके मारते थे ये वाला खाने से ना, खट्टा मीठा खाने से अपने आप आँख जो है ना कि मरता है। फोटो में मुरब्बा खा रहे हम रात में। हम लोग मेला गए थे, वहीं से लेके आए मुरब्बा और एक ठो और लेके आए। ये देखिए कंगरा, हम लोग गांव में गुड़ वाला खाते थे, यहाँ चीनी वाला मिला है। उधर कहाँ चीनी वाला, देखे हैं कभी उधर चीनी। खाएंगे क्या क्या लेके आए हैं बाद में, पहले खाना बनाते हैं। आलू रखे हैं उबलने के लिए, आज मन नहीं हो रहा है खाना बनाने का। क्या लिए हो? देख टूट गया है, देख देख ये टूट गया है। नहीं टूटा, हाथा भी पहन लिया है, ये देखो मुरब्बा आया था रात में, आंस आंस लिया था मुरब्बा। कैसा लग रहा है? खट्टा लग रहा है। खाना बनाने से हो गए फ्री, आज हमको खाना नहीं बनाना पड़ रहा है। देख सकते हैं खाना नहीं बन रहा है, यहाँ पे आज हमको उसके पापा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आलू चप बना रहे हैं, और खाना नहीं बना है क्योंकि आज हम लोग जाएंगे कहीं और खाना खाने के लिए। कहीं और क्या, यहाँ पर भंडारा में जाएंगे। हाँ भंडारा में जाएंगे खाने के लिए, शादी हुआ है ना। हाँ उसी का पार्टी है, बहु भोज है। आप भी जो उस दिन कलश यात्रा ले गए थे, जहाँ से कलश उठाए थे वहीं शिव मंदिर जाएंगे भंडारा में। निमंत्रण मिला है जाने के लिए, निमंत्रण नहीं हुआ सब लोग जा सकते हैं, बस खाली अंकुश पापा को निमंत्रण मिला है। मिला है ना आपको? मैं तो जाने ना भी बोला हूं। इनको मिला है, हम लोग को नहीं मिला है, हम लोग को लेकिन जाना है, इसीलिए आज खाना वाना सब बंद है, आज छुट्टी है। लेकिन एक लोग फंस गया है खाना बनाने के लिए। हमको उसके पापा बना रहे हैं आलू चप, और ये बेसन, तेल डालो नहीं हो गया, कढ़ाई भी रख दिया, कढ़ाई गर्म हो गया है। सुबह आलू उबाले थे तो उस कैंसिल हो गया था सब्जी बनाना, तो आलू उबाल दिया था, इसीलिए जो कि आलू चप बना रहे हैं हमको उसके पापा। यहाँ रख, तेल डाल दिए, फॉर्चून बना रहे हैं उसके पापा। देखिए कितना छोटा छोटा बना रहे हैं, बड़ा बड़ा दीजिए ना, मार्केट में बड़ा बड़ा मिलता है, ये तो क्या है, ठीक है, इतना छोटा छोटा बेसन और गला रहा था तब ना परत मोटा चल रहा है, और गढ़ा कर दे क्या, पतला हो गया, छोड़ो हो गया, इतने बना दीजिए, ज़्यादा फिर बच जाएगा, बेसन खाएगा कोई कि नहीं खाएगा।
ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बेसन रखना पड़ेगा। पर ना मेरा ना एक ही सपना था कि मेरा अंकुश का पापा ना कब हमको खाना वाना बना के खिलाए थोड़ा सा, वो सपना जो है ना मेरा आज पूरा हो रहा है। इतना दिन से नहीं हुआ? नहीं, मेरा एक ही सपना था कि आप कब हमको बना के खिलाते हैं, लेकिन वो सपना जो है कि आज पूरा हो गया, क्योंकि आज हमको उसे पापा बना के खिला रहे हैं। लेकिन इसमें तीन कोना काम हम ही किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि अपने बना रहे हैं। आप क्या करें, पटपटाएगा, उसमें तेल है ना, बहुत पानी है ना, थोड़ी चम्मच से हो जाएगा। दोस्तों इतना सब बना है आलू चावल, थोड़ा सा बेसन पेस्ट बच गया था तो ये बैंगन का भी बना दिया हमारे पापा। खाने के लिए और ना बहुत अच्छा बना लीजिए, तो खाते हैं हम लोग आलू चप। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, अंकुश के पापा भी हैं। और आज पता नहीं क्या हुआ है, दो बार लाइट जो है कि सुबह से गोल हुआ है, ये दो बार लाइट। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, किचन साफ हो गया मेरा, उसके बाद पेट सही कर रही हूँ। तो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं मंदिर, और चलिए आप सभी को भी लेके चलते हैं, भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं। शिवरात्रि के दिन तो हम दर्शन नहीं करा पाए थे क्योंकि बहुत काफ़ी भीड़ था, इस वजह से बस हम पूजा करने के बाद ही थोड़ी सी वीडियो बस बनाए थे, लेकिन आप सभी को दर्शन जो कि नहीं कराए थे, भीड़ भी था ज़्यादा ही। तो हम भी पूजा कर रहे थे, हमको उसके पापा भी पूजा कर रहे थे, तो वीडियो फिर कौन बनाता, इस वजह से नहीं बनाए थे। तो चलिए मंदिर तो हम आ चुके हैं, और आप लोग जो है कि भोलेनाथ का दर्शन कीजिए, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियो को देखते हैं, इतना कीमती वक्त निकाल के सभी के लिए प्रार्थना है कि भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करे। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जिसके चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो भोलेनाथ से हमारी यही विनती है कि हे भोलेनाथ जल्दी से उनका भी चैनल ग्रो हो जाए, और सब जो है कि अपने लाइफ में आगे बढ़े और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने फैमिली में खुश रहें। तो यहाँ पे हम लोग पहले जो कि आशीर्वाद लेते हैं भोलेनाथ का, उसके बाद हम लोग जाएंगे भंडारा खाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना, हम लोग हर बार यही इसी मंदिर में आते हैं पूजा करने के लिए, हर बार की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक बात बताने वाली हूँ। आज ना सुबह से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि जिसका सुबह अच्छे से बीतता है ना, तो वो दिन भर उसका जो दिनचर्या बहुत अच्छी होती है। तो आज सुबह जब हम मंदिर गए थे हनुमान मंदिर पूजा करने के लिए, मैं अचानक से गई थी, अंकुश के पापा बोले थे नहीं चलो, आज दिन है शनिवार, और शनिवार को मेरे जो मैं सुबह ही पूजा पाठ करती हूँ शनिवार के दिन, तो आज मैं मंदिर भी गई थी, अंकुश के पापा लेके गए थे मंदिर की चलो। तो वहाँ पे जब मैं गई थी ना, तो वहाँ पे आज ना मुझे मौका मिला था हनुमान जी का सेवा करने के लिए। जैसे वहाँ की साफ़ सफाई, बर्तन पूजा पाठ कर मैं धोई थी, वहाँ झाड़ू पोछा की थी, हमें ना बहुत अच्छा लगा था। हालांकि मैं मोबाइल लेके गई थी, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बस हमें ये फील हो रहा था कि जितना मैं जो है कि सेवा कर सकती हूँ उनका। और आज ना फर्स्ट टाइम मुझे कभी हमें ऐसा मुझे टाइम नहीं मिला था, मौका नहीं मिला था करने के लिए, जो कि आज हमें मिला था। अंकुश के पापा बोल रहे थे यहाँ 6 बजते बजते सारा चीज़ हो जाता है मंदिर में, क्योंकि वो हर मंगलवार और शनिवार आते हैं, बस आज ही के दिन नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कि हनुमान बाबा को, हनुमान बजरंग बली को ना मेरा सेवा लिखा था मेरे हाथों, इसीलिए मैं हमको ये मौका मिला है। तो आज ना ये सब करके ना हमें बहुत खुशी हुआ, और बहुत सालों के बाद हमें ये मौका मिला और बहुत अच्छा लगा हमें। तो फाइनली गाइस हम घर आ गए हैं, और हो चुकी है अभी शाम, मतलब 8 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अंकुश के लिए रोटी बना रही हूँ, और सब लोग तो खा लिए, बस अंकुश ही नहीं खाया है, तो दूध है तो वो दूध रोटी अंकुश खा लेगा। तो चलिए, हमारी वीडियो कैसी लगती है आप सभी ज़रूर बताइए।